आजमगढ़ में अगर कमल खिला है तो कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक इस बार फिर समाजवादी पार्टी से दूर गया है। हमारे साथ अभिषेक यादव हैं जो प्रयागराज के रहने वाले हैं और लगातार दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते हैं। नाम के आगे आप हिंदू अभिषेक यादव लिखते हैं और इस बार आजमगढ़ में कमल खिला है तो कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक बीजेपी और दिनेश लाल यादव निरहू के नाते बीजेपी की ओर आया है। क्या कहेंगे जो यादवों की सियासत करते थे कुछ लोग, उनके हाथ से अब वोट बैंक खिसकने लगा है? बिल्कुल, हम सब कहना चाहते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी एक वर्ग की पार्टी नहीं है, यहाँ पर सबका साथ सबका विकास है। और हम लोग अभी कुछ दिन पहले 2022 में अभी यादवों का सम्मेलन हुआ था तो उसमें सब लोगों ने एक स्वर में कहा था कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से वह दिन आया और भगवान कृष्ण जी की जो जन्मस्थली है, जो उनकी तपोभूमि है, हम लोगों ने कितने किस तरीके से देखा है, चाहे काशी हो फिर चाहे जो मथुरा हो, जो उसकी पहल माननीय योगी जी कर रहे हैं, इसके लिए यादव समाज भारतीय जनता पार्टी में वह दिन प्रतिदिन शत प्रतिशत मतदान करने के लिए वह एकदम खड़ा है और एकदम तैयार है। और भारत माता के लिए जो लोग यादवों को अछूत बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी में यादवों का सम्मान नहीं है, आज उनका मुँह काला हो गया है। भारतीय जनता पार्टी में यादवों का सम्मान है, विकास है और उनकी संरचना है। और धर्मेंद्र यादव को अगर दिनेश लाल यादव ने चुनाव हराया तो कहीं ना कहीं ये तो स्पष्ट है कि यादवों का वोट गया, लेकिन जो बीजेपी ने सम्मेलन किया था, आपने जो विधानसभा सम्मेलन चर्चा की, कहीं ना कहीं वहीं से एक नींव रख दी गई थी। कुछ ऐसी सीटें थी जैसे गिरीश यादव हैं, जौनपुर से जीत कर आए हैं, मंत्री भी हैं, तो अब 24 को लेकर क्या तैयारी, क्योंकि अभी लड़ाई बाकी है, मुख्य लड़ाई तो अभी बाकी है। अभी हम लोग बताए देख रहे हैं, आज जैसे ही जो है दिनेश लाल यादव जी चुनाव जीते हैं, क्योंकि यादव समाज से आते हैं, लेकिन आज जो एक यादव वर्ग है जो समाजवादी से जुड़ा है, आज उनकी जो एक भाषा है, जो एक शैली है, वह इतनी गंदी भाषा का जो वो लोग उपयोग कर रहे हैं और इन्हीं सब विचारों से जो अच्छे यादव हैं, जो समाजवादी में जो एक अच्छे, जिनकी मानसिकता अच्छी है देश के प्रति है और भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रति अच्छी हो रही है, वो सब यादव भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है। और हम सब लोग इस बार एकदम गौरवान्वित हैं कि भारतीय जनता पार्टी में यादव अब की बार 90% से ज़्यादा मतदान करने जा रहा है। समाजवादी का सुपड़ा साफ हो गया है, भविष्य में कभी समाजवादी की सरकार आने वाली नहीं है। परिवारवाद का किला ढह चुका है, बिल्कुल ढह चुका। धर्मेंद्र यादव की हार के बाद क्या कहना चाहते हैं? बड़े नेता हैं आप, जहां प्रयागराज से आते हैं वहां कभी उनकी तूती बोलती थी छात्र राजनीति में, बदायूं से भी सांसद रहे हैं, उनका चुनाव हारना समाजवादी पार्टी के लिए कितना झटका लगने वाली बात? बिल्कुल, जो लोग मकानों में छेद करने का काम करेंगे उनके परिवार में छेद जरूर बनेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राजनीति से वह आए थे, पढ़े लिखे छात्र थे, लेकिन आज मैंने जिस तरीके से आज मैंने उनको देखा, विश्वविद्यालय परिवार के एक वहाँ जो है अधिकारी भी खड़े थे, जिस प्रकार से उनको तुम तड़ाक कहने की जो उनकी आज व्यवस्था थी, आज मैंने सुबह सुबह देखा है, इससे जो है विश्वविद्यालय परिवार का जो एक गौरव होता है वह उनको कैसे हासिल हुआ वह हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन विश्वविद्यालय का छात्र नेता ऐसा नहीं होता है कि वह किसी भी अधिकारी से इस लहजे में जो है बात करे, और वह उनकी मनोस्थिति जो है वह खराब हो चुकी है, वह पागल हो गए हैं और पागल की तरह घूम रहे हैं, समाजवादी सिर्फ गुंडे हो गए हैं। अब उसमें नेता कोई नहीं बचा है, कोई राजनीति करने वाला कोई नहीं बचा है, सिर्फ अगर उसमें है तो वह सिर्फ गुंडे हैं। ये हमारे साथ अभिषेक यादव थे जो जिला पंचायत सदस्य हैं लगातार दूसरी बार के, इनका अपना एक अलग अंदाज है। नाम के आगे हिंदू अभिषेक यादव लगाते हैं और प्रयागराज समेत अन्य क्षेत्रों में एक बड़ी पहचान रखते हैं, खासकर बीजेपी में अगर यादव लीडरशिप की बात की जाए तो प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में अभिषेक यादव, हिंदू अभिषेक यादव का नाम पहले आता है। इनका भी कहना है कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सिद्धांत से भटक गए हैं। कैमरा पर्सन सनी के साथ अभिषेक शर्मा, #भारत न्यूज़, लखनऊ।